प्रधानमंत्री आवास योजना के जो चयनित लाभार्थी थे, उन लाभार्थियों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे की उपलब्धता थी और उन्होंने अपने मकान का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद उन्होंने किस्तें ले ली। क्योंकि राजीव, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिलता है, जो धनराशि मिलती है, पहले आप निर्माण कर लेंगे उसके बाद जो है कि पैसा आपको दिया जाता है। तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त करके इनको जो पैसा दिया जाता है, तो उसमें जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने बना लिया। और जो लाभार्थी ऐसे थे, गरीब थे, जैसे मान लीजिए किसी का पति एक्सपायर हो गए, किसी की नौकरी छूट गई, काम धंधा बंद हो गया, तो वो पहली किस्त प्राप्त कर पाया, दूसरी किस्त इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे अब है नहीं, वो मकान बना नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से एक नोटिस जा रहा है कि अगर आप दूसरी किस्त नहीं लेंगे, मकान नहीं निर्माण करेंगे, तो आपसे पहली किस्त भी वसूल ली जाएगी, जो कि न्याय संगत नहीं है, गलत है, क्योंकि उसने कोई चीटिंग नहीं करी है। जितना काम उसने करा है उतना ही पैसे आपने दिए हैं, आगे वो काम नहीं करा पा रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब हो गई है, तो आप वो पैसा लैप्स कर दीजिए, एक नोटिस दे दीजिए उसको कि भाई अगर इतने दिनों में आप ये काम नहीं करा पाएंगे तो आपका पैसा लैप्स होकर सरकार को वापस चला जाएगा। लेकिन ये कहना उसको कि भाई हम पुराने पैसे भी आपसे वसूल लेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैंने ज्ञापन दिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए आगे भी हम जाएंगे, आगे भी इसकी शिकायत करेंगे। और ये इस तरीके से लोगों को डराना बंद करें, क्योंकि नागरिकों ने कोई चीटिंग नहीं करी है, उन्होंने जितना काम कराया आपने उतना ही पैसा दिया है उन्हें। आगे काम करें तो पैसा दीजिए, नहीं काम करें तो मत दीजिए।